नमस्कार, मैं डॉक्टर एपी दुबे, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं आज आप सभी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के बारे में कुछ साधारण सी बातें बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि स्तन कैंसर हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है। लेकिन कुछ पिछले 10 सालों में इसमें कुछ बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है? पहला कि इसके इंसिडेंस में काफ़ी वृद्धि हुई है। इंसिडेंस मतलब कि जो केसेस हमारे हर साल मिलते हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर यदि हम 10 साल पहले देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के केस 1 लाख से कम पाए जाते थे एक साल में, बट अभी यही कैंसर के केसेस 1.5 लाख से भी ऊपर पाए जाते हैं एक साल में। दूसरा, ये बीमारी जो कि पहले सिर्फ वृद्ध महिलाओं की बीमारी कही जाती थी कि ये बीमारी जब भी होगी तो जो महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, बट अब ये नहीं है क्योंकि करीब 1/3 स्तन कैंसर जो है वो 50 साल की उम्र से कम वाली महिलाओं में भी पाया जाता है। तीसरा जो कि हमें काफ़ी चिंता में डालती है वो है हमारे देश का क्योर रेट और वेस्टर्न पश्चिमी देशों का क्योर रेट। इफ यू सी अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट है मोर देन 95%, बट इन आर कंट्री इट इज़ जस्ट 70%। जो अच्छी बात है कि इस बीमारी का संपूर्णता इलाज वो भी आधुनिक तकनीकों से हमारे देश में पूरी तरीके से संभव है, पर ज़रूरत है इस बीमारी की जागरूकता होने की, अवेयरनेस। सो आई एम हियर टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, दिस ब्रेस्ट कैंसर। तो इसकी जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? हर महिला को क्या करना चाहिए कि इस बीमारी के बारे में जल्द से जल्द अर्ली स्टेज में पता चले? सो हर एक महिला जो कि 30 साल से ऊपर है उसे हर महीने एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब खुद से अपने स्तनों की जांच करनी है। ये क्यों करनी है? ये इसलिए करनी है ताकि कोई भी स्तन कैंसर के लक्षण हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। शीशे के सामने हर महिला को एक बार कपड़े उतार के खड़े होना है और अपने स्तनों को ठीक तरीके से जांचना है। पहले देखना है शीशे में कि किसी भी तरीके का उभार जो कि पिछले महीने नहीं था और इस बार आ गया है, किसी भी तरीके का चमड़ी में बदलाव या किसी भी तरीके का निप्पल पे डिस्चार्ज ऐसा होता है, या फिर ब्रेस्ट का अपने हाथों से उसको चारों तरफ हाथों को फिरा के उसको देखना और देखना कि क्या किसी तरीके की सूजन या किसी तरीके की गांठ जो नई आई है जो या जो पुरानी थी उसमें वृद्धि हुई है। ऐसे कोई भी लक्षण हो तो अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करना है।